तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आप सभी के लिए एक न्यू वीडियो हाँ मैं यहाँ पर लेके आए। यहाँ पर आप तो देख ही सकते हैं, आपका एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा जो जो न्यू रिक्रूटमेंट जारी हुआ है, आज उसी के बारे में मैं आपसे बात करूँगा। आपको कैसे अप्लाई करना हो, क्या क्या आपका एलिजिबिलिटी का आइडिया रहेगा, आपको प्लेस पर पोस्टिंग कहाँ पर हो सकता है, तो सैलरी कितना का मिल जाएगा, उसके बारे में सब फुल डिटेल्स आपको बोल देंगे। आप प्लीज़ एक ही रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप लोग के वीडियो स्टार्ट से एंड एंड तक वीडियो को देखिए, और हमारा जो ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है तो उसके साथ आप लोग जुड़िए। और प्लीज़ भाई चैनल को बस सब्सक्राइब पर जरूर करना, भाई चैनल को बस सपोर्ट करना। तो चलिए भाई यहाँ पर शुरू करते हैं। पहले तो आपसे अगर देख ही सकते हैं, मैं आपको कोई झूठी बात नहीं बोलूँगा। सबसे मेरा सबसे आपका खास टॉपिक है, क्योंकि ये लोग सब लोग नहीं अप्लाई कर सकते जो साउथ इंडियन से बिलोंग करते, सिर्फ वही कैंडिडेट्स यहाँ पर अप्लाई कर सकते। तो पहले मैं आपको बोल जा रहा, जो अदर रीजन से बिलोंग करते हो प्लीज़ वीडियो को स्किप कर जाए। पहला ऐसे आप देख ही सकते हैं, आपको तो पहले ही बोल दिया था, जो डोमिसाइल तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, केरला, पुडुचेरी एंड लक्षद्वीप है, सिर्फ वही कैंडिडेट्स यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। सो पहले आपको इस वेबसाइट जाके, आप करियर वेबसाइट जाके आपको अप्लाई करना होगा। इस वेबसाइट की मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो चलिए यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, पहला जो पोस्ट है आपका जो जूनियर असिस्टेंट होगा फायर सर्विस, जो एनी फोर के मुताबिक है पोस्ट। सो टोटल यहाँ पर आप लोगों का ऑनर 32 आपका पोस्ट दे दिया है, उसमें से कैटेगरी वाइज देख सकते हैं। और अलग से जो एक सर्विसमैन है उनका भी अलग से पोस्ट दे दिया है। और सैलरी आप देख सकते हैं, सैलरी आपको 31,000 बेसिक्स होगा, तो लगभग सैलरी 50,000 सैलरी आपको मिल जाएगा। उसके बाद जो ऑफिस असिस्टेंट रहेगा ऑफिस के द्वारा, से यहाँ पर भी आपको सिर्फ 10 ही पोस्ट थे, और यहाँ पर भी आपको सैलरी सेम आपको मिल जाएगा। उसके बाद जो सीनियर असिस्टेंट होंगे अकाउंट्स का, यहाँ पर सैलरी से आपको ज़्यादा मिला, क्योंकि आप देख सकते हैं आपको एनी सिक्स आपको सैलरी मिल जाएगा। सो यहाँ पर सिर्फ 13 पोस्ट है आपको, यहाँ पर भी आपको PWD और एक सर्विस मैन का आपको कैटेगरी मिल जाएगा। यहाँ पर भी आपको 36,000 से लेकर 1,10,000 सैलरी मिल जाएगा, यहाँ पर भी आपको सैलरी मिलेगा अच्छे खासी। उसके बाद आपका जो सीनियर असिस्टेंट होगा ऑफिशियल लैंग्वेज में, सो यहाँ पर सिर्फ एक ही पोस्ट, एक ही आपको एस सी में आपका आता है, यहाँ पर सैलरी सेम है। और दूसरी बात मैं आपको बोलना चाहता हूँ, आपका जो वैकेंसी यहाँ पर टेम्पल जारी किया है, आपका जो वैकेंसी यहाँ पर इंक्रीज हो सकता है। सो प्लीज़ उसी चीज़ लोग मार्क कीजिए, उसका स्किप कर दीजिए। आपका जो मेन टॉपिक है सिर्फ वही मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए यहाँ पर आप देख सकते हैं, उस कास्ट के मुताबिक भी इंस्ट्रक्शन दिया है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। तो यहाँ पर आप लोगों का जो फिजिकल रिक्वायरमेंट रहेगा PWD उनके भी इंस्ट्रक्शन रही है, तो प्लीज़ आप लोग ऐसे देखिए। और जो जनरल है वो आप लोग स्किप भी कर सकते हैं। दूसरी बात, आपका जो कंप्यूटर टेस्ट होगा, यह आपका चेन्नई, बेंगलोर, हैदराबाद, कोची, विजयवाड़ा में हो सकता है। आप लोग देख सकते हैं नंबर ऑफ वैकेंसी एयरपोर्ट दे दिया है, तो पहले मैंने आपको बोल दिया था। और दूसरी बात, आपको जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू हो गया है 1 तारीख से लेकर शुरू हो गया, और आपका यहाँ पर लास्ट डेट रहेगा स्टेप 2, आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का 30 तारीख लास्ट डेट। तो आपके पास अभी टाइम है, सो आप लोग के लिए ठीक ठाक से आपको अप्लाई करना होगा। और दूसरी बात, आपको एप्लीकेशन एंड फी आपको ऑनलाइन नॉट बी एक्सेप्टेड, सो ये भी आपको ध्यान देना होगा। दूसरी बात, आपको कैसे क्या आपको बेनिफिट मिल जाएगा, पहले तो बेसिक सैलरी DA मिल जाएगा, पास HRA, आपको CPF मिल जाएगा, जो ग्रेजुएटी सोशल, जो सेम मेडिकल बेनिफिट्स, एयरपोर्ट रूल्स मिल जाएगा। तो पूरा आपको सेंट्रल गवर्नमेंट का एम्प्लॉय जो जो मिलता है, सब कुछ आपके ऊपर आपको मिल जाएगा। और दूसरी बात, आपको एजी फ्लेक्सिबल देख सकते हैं, पहला आपका जो 18 से 30 से 20 आपको एजेंट होना होगा। दूसरी बात, SC ST को 5 साल का छूट मिलेगा, OBC को 3 साल का अपर डिजिट में छूट मिल जाएगा। एक सर्विस मैन PW और जो डिपार्टमेंट में सबके ऊपर मिल जाएगा। सो चलिए मैं आपको स्किप करता हूँ। और यहाँ पर दूसरी बात, आपका जो क्वालिफिकेशन रहेगा जूनियर असिस्टेंट का, सो यहाँ पर आपको 10+ पास आउट होना होगा, और 3 ईयर्स आपको यहाँ पर डिप्लोमा रेगुलर में कंप्लीट करना पड़ेगा। मैकेनिकल, ऑटोमोबाइल, फायर एंड मिनिमम 50% मार्क्स रखना पड़ेगा। और जो 12 है वो जो 12 पास है रेगुलर स्टडी में, वो भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो, वो भी 50% रखना पड़ेगा। सो यहाँ का हो गया है। दूसरी बात, यहाँ पर जो जो उनको ड्राइविंग लाइसेंस होना होगा, वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस होना होगा यहाँ पर, और वैलिड मीडियम पे लाइसेंस इशू हो गया, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर उनको भी कैसा क्या वो दे दिया है। और उन पर एक्सपीरियंस उनके ऊपर होना होगा, ठीक है। और आपका यहाँ पर फिजिकल फिटनेस कैसा क्या होता है, सो आप लोग ऐसा देख सकते हैं प्लीज। दूसरी, आपका जूनियर एक्शन रहेगा, ग्रेजुएट पास होना होगा,
और टाइपिंग स्पीड भी देख सकते कैसे क्या होना हो, और एक बार एक्सपीरियंस ऊपर दे दिया है। और तीसरी बात आपका आता है जो सीनियर स्टूडेंट अकाउंट्स में, अगर आपको ग्रेजुएट करना होगा बीकॉम में, और आपको ट्रेनिंग कंप्यूटर कोर्स आपको रखना पड़ेगा 3 to 6 months का, और एक बार 2 साल आपको एक बार एक्सपीरियंस आपको होना होगा। और सबसे लास्ट सीनियर स्टूडेंट ऑफिस लैंग्वेज में देख सकते हैं, वो मास्टर हिंदी एंड इंग्लिश में रहना पड़ेगा एंड ग्रेजुएट लेवल, तो पूरा इंस्ट्रक्शन है बहुत बड़ा है आप लोग देख सकते हैं। और यहाँ पर आपको कैसे क्या एग्जाम लिया जाएगा, जो असिस्टेंट जूनियर रहेगा फायर सर्विस का, सब एग्जाम टेस्ट लिया जाएगा, 2 घंटे का हो जाएगा, पासिंग मार्क्स 50 आउट ऑफ 100 रहना चाहिए, और जो एससी रहेगा सिर्फ उनके लिए 40% उनको पासिंग मार्क्स रहना चाहिए रहना होगा। और सिलेबस भी आपको दे दिया, आप इसे देख सकते हैं सिलेबस कैसे क्या आपको हो सकता है, ठीक है। और जो स्टेज जो दूसरा स्टेट्स रहेगा, यहाँ पर आपको शॉर्टलिस्टेड कहा जाएगा, उसका सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो इंस्ट्रक्शन दिया है मेडिकल वगैरह आप देख सकते हो, फिजिकल एजुकेशन दे दिया, 100 मीटर भागना होगा, रोप क्लाइंबिंग, रोल 6 मीटर, फुल लेदर क्लाइंबिंग, सो यहाँ पर फुल मार्क्स यहाँ पर देख सकते हैं। और यहाँ पर आपको जो जो फिजिकल एडवांस टेस्ट होगा फिर सिर्फ मेल कैंडिडेट्स के लिए देख सकते हैं आप लोग, कितने में आपको कॉम्प्लीट करना पड़ेगा, ठीक है। दूसरी बात भी आपको दे दी है फिजिकल जो फीमेल के लिए, उनको भी बार दे दी है, आप देख सकते हैं प्लीज। और भी कुछ इंस्ट्रक्शन दे दिया है आप लोग से देख सकते हैं। और दूसरी बात आपका जो अपॉइंटमेंट लेने के बाद आपका कहना है सक्सेसफुल बेसिस ट्रेनिंग कोर्स कंप्लीट करना पड़ेगा, ट्रेनिंग के दौरान आपको सैलरी तो नहीं मिलेगा, आपको स्टाइपेंड मिल जाएगा, जो 25,000 रुपये स्टाइपेंड को पर मंथ मिल जाएगा, बॉन्ड एग्जीक्यूटिव सेट बेस्ट ट्रेनिंग आपको मिल जाएगा। और यहाँ पर आपको आपको रेसिडेंशियल ट्रेनिंग पर मुताबिक आपको ट्रेनिंग दौरान आपको फर्स्ट मंथ 2 मंथ 50,000 रुपये सैलरी अप टू 3 लाख आपको बॉन्ड दे दिया, आप लोग जब रिजाइन करेंगे तो आपको इतने पैसे को देना पड़ेगा। बियॉन्ड 3 to 3 मंथ 50,000, 75,000 एंड 3 मंथ इस कम्प्लीट ट्रेनिंग को 1 लाख मिल जाएगा, और नहीं तो आपको इतनी सैलरी इतनी पैसा आपको एक बार देना पड़ेगा। दूसरी बात आपको जो जूनियर असिस्टेंट रहेगा उनको भी अलग से एग्जाम लिया जाएगा, और सिलेबस वगैरह आप लोग इसे प्लीज देख सकते हैं, सब लोग को सेम ही रहेगा, थोड़ा एक बार अलग होता है यार। और अकाउंट्स वालों का भी बार आपको दे दिया सिलेबस वगैरह, 70% क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, जो जनरल नॉलेज जनरल इंटेलिजेंस जनरल एप्टीट्यूड के मुताबिक, और जो सीनियर असिस्टेंट है उनका भी एक बार एग्जाम रिलेटेड पूरा इंफॉर्मेशन ऐप पर देखिए, जो पीडीएफ बहुत बड़ा है इसलिए मैं पार्टिकुलर टॉपिक तो मैं नहीं बता सकता, जो जो इम्पोर्टेंट रहा सिर्फ वही मैं आपको बताऊंगा। और दूसरी बात आपको अप्लाई करने के आपको यहाँ पर 1,000 सॉरी 1,000 रुपये को देना पड़ेगा, जो जो ओबीसी और ईडब्ल्यूएस को, और जो SC ST और एस्टेब्लिशमेंट रहेगा PWD उनके लिए फ्री है, उनको कुछ पैसा जो नहीं देना पड़ेगा। और दूसरी बात दे दिया आप लोग ऑल कैंडिडेट्स रिस्पेक्टिव कैटेगरी हैव 90 रुपीज उनको चार्जेस ऑफ द हेल्थ अरेंजमेंट फॉर कोविड के वजह से उनके ऊपर उनको देना पड़ेगा ऑल कैटेगरीज, ठीक है। और भी कुछ इंस्ट्रक्शन दे दिया है, और पैसा भी आपको ऑनलाइन से पेमेंट कर सकते हैं, ठीक है, इस जगह पेमेंट कर सकते हैं, कुछ इंस्ट्रक्शन आपके ऊपर मिल जाएगा, आप उससे देख सकते हैं। नीचे भी कुछ इंस्ट्रक्शन को दे जाएगा कैसे क्या अप्लाई करना होगा, तो फुल प्रोसेस यहाँ पर जारी होगी, आपको कैसे स्टेप टू स्टेप बाय अप्लाई करना होगा, कैसे आपको वैलिड ईमेल आईडी और आपका जो मोबाइल नंबर देना है, क्योंकि जो इंस्ट्रक्शन आएगा वो आपका SMS के द्वारा बैठ आपको ईमेल एड्रेस के द्वारा आपका आएगा, तो प्लीज़ यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। और यहाँ पर नीचे भी आपको एप्लीकेशन के प्रोसेस मुताबिक को जो अटैच कॉपी देना पड़ेगा, फोटोग्राफ वगैरह, ठीक है, उसका मुताबिक कितना KB देना पड़ेगा, सर्टिफिकेट JPG फॉर्मेट में होगा या तो क्या होगा, पूरा इंस्ट्रक्शन आपको मिल जाएगा यहाँ पर आपको। चले आप खुद आप लोग यहाँ पर खुद जो इंस्ट्रक्शन है आप लोग ऐसे आप देख सकते हैं, ठीक है। सो आपका PDF और ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप तो देख सकते हो वीडियो कैसा रहा है, कॉमेंट करके जो बात है, और अगर आपको कुछ भी डाउट होता है वीडियो कमेंट सेक्शन में जो बता ना, हम रिप्लाई कर देंगे। और वीडियो को दूसरे भी शेयर करना, और चैनल को सब्सक्राइब करके प्रेस कर देना, और हमारा टेलीग्राम चैनल आप लोग ज्वाइन कर लेना, उस चैनल का भी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए मैं अब चलता हूँ, एंड सभी के लिए बेस्ट लक, सब लोग ध्यान से फॉर्म फिल कर देना।